Okay, let's start our class. My screen is visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Thank you, Vita. Now, till here, a closer look to Mehergarh. Till here, we have discussed. Okay? And traces of bones. This also we have discussed, like in different levels. Archaeologists have found different types of bones, which tells us that they used to rear different animals for different purposes. अलग अलग animals को अलग अलग चीजों के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है? जिसकी bones कटी हुई मिली, इसका मतलब वो meat के रूप में उसको use करते थे, और जो bones सिर्फ skeleton जैसा मिला, इसका मतलब कि वो उसे पालते थे, उसको खाते नहीं थे, ठीक है? तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. Next, coming to here, traces of houses. Now Mehergarh is the one of the earliest village that we know. Remains of square and rectangular houses have been discovered from Mehergarh site. Okay, this site is presently in, where is it? Mehergarh. Mehergarh. This site is presently Uttar Pradesh. In Pakistan, beta. Uttar Pradesh. पाकिस्तान में है ना, पोर्शन है बेटा. बहुत सारी साइट्स हमारे इंडिया के उधर भी आती है, गुजरात के पास, ठीक है? Remains of square and rectangular houses have been discovered from this site. Now you can see people were, means they were great engineers also. They made houses in different forms. In square shape, in rectangular shape, and also they have made compartments in between the houses. Yes, beta. Ma'am, in itte wo ma'am kaise equal symmetry mein kaise bante the houses? हाँ, तो आप सोचो कि they were knowing the methods or the ways to prepare all such things. ठीक है, हम अभी सोचते हैं कि we are advanced, हमको सब जानकारी है. But people were knowing about this tact or this, you can say, they know how, they knew how to know how to make houses. Ma'am, उस time पे कौन सा सरिया या फिर steel use किए होंगे घर बनाने के लिए? कोई सरिया और कोई steel नहीं है, देखो आप. Ma'am, वो पत्थर से बनाते थे. You can see the slab. Yes, बेटा. मैम वो लोग केवल मैम पत्थर को ऐसे रखते जाते थे, पत्थरों को रखते जाते थे. ओके, उनको आर्ट तो आता था. दे वर नोइंग द आर्ट हाउ टू मेक हाउसेस. ग्रेजुअली दे लर्नड दिस. ओके, पहले हमने देखा कि वो गुफाओं में रहते थे, केव्स में रहते थे, नेचुरल शेल्टर्स में रहते थे. लेटर ऑन दे स्टार्टेड मेकिंग हाउसेस. और मेहरगढ़ में जो साइट्स, जो मेहरगढ़ साइट से जो हमें खुदाई में चीजें मिली, उसमें जो ये घर के ट्रेसेस मिले हैं, उससे हमें ये समझ में आ गया कि दे वर वेल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. उनको पता था कि प्रॉपरली घर को कैसे डिजाइन करना है. नाउ यू कैन सी दिस इज द ओल्ड हाउस फ्रॉम मेहरगढ़ साइट. ईच हाउस हैड फोर और मोर कंपार्टमेंट्स.
जैसे आजकल हमारे घरों में ड्राइंग रूम, किचन, स्टोर, बेडरूम ऐसे बनता है, दे वर ऑल्सो मेकिंग सम कंपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस. ओके, एंड सम ऑफ देम हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज ऑल्सो, स्टोर रूम की तरह भी यूज करते थे. मतलब उनके मन में ये सब चीजें चलती रहती थी कि कहाँ कौन सी चीज को हमें करना है. तो उन्होंने किचन जैसा भी कुछ बनाया होगा, जैसे हमने पढ़ा कि दे है हर्थ्स, है ना, जहाँ पे वो चूल्हे वगैरह जलाते थे, घर के बाहर अंदर आग जलाने के काम में लाते थे. सेम वे बिकॉज दे स्टार्टेड ग्रोइंग फूड, देयर वॉज प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग फूड ऑल्सो. सो फॉर दैट पर्पज दे माइट हैव मेड rooms like store room, okay, so that they can keep their things there, they can store their things. So this way they used to make their houses. Ma'am, हाँ, yes. Ma'am, उस time तो ये fridge वगैरह होते नहीं थे, तो ma'am उनकी चीजें खराब नहीं होती थी. खराब नहीं होती थी क्योंकि वो एयर टाइट कंटेनर जैसा चीजें बनाते थे. लाइक अगर आप मटकों में रखते हो सामान, एंड इफ यू सील दैट पॉट, अगर आप उस पॉट को क्या करते हैं, ढक्कन लगा के फिर मिट्टी लगा देते हैं, सील कर देते हैं, तो वो एयर टाइट बन जाता बेटा. एयर के कॉन्टेक्ट में आने से ही कोई भी चीज खराब होती है. तो वो इस चीज को इस तरीके से इस्तेमाल करते थे. आज भी घरों में पुराने लोग जो हैं, पुराने गांव में रहते हैं, जो अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, बट दे न्यू द टेक्निक्स हाउ टू प्रिजर्व द थिंग्स. हाँ मैम, मेरे पापा बता रहे थे ना कि जब वो छोटे थे तो ना वो उनकी मम्मी ना वो मटके में वो गुड़ रख देती थी और ऊपर से ढक देती थी. हाँ, और अगर आप नमक डाल दो, नमक के ढेले मिलते हैं, ठीक है, नमक के क्रिस्टल्स मिलते हैं. अगर हम लोग जो नमक खाते हैं, हम जो सॉल्ट यूज करते हैं, दैट इज रिफाइंड वन, टाटा सॉल्ट और ये सॉल्ट वो है, वो रिफाइंड है. बट गांव में आज भी क्या है, मिश्री जैसे नमक मिलते हैं, क्रिस्टल्स मिलते हैं बड़े बड़े, और इन क्रिस्टल्स को वो प्योर फॉर्म में होते हैं, दे आर नॉट रिफाइंड एट ऑल. तो लोग क्या करते हैं, ये नमक के जो ढेले होते हैं या जो क्रिस्टल्स होते हैं, दे यूज टू पुट दीज सॉल्ट, क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट इन दी फूड ग्रेन्स. ग्रेन्स में डाल देने से उसमें कीड़े नहीं लगते हैं. नीम के पत्ते डाल देने से कीड़े नहीं लगते हैं. सो दिस वे दे माइट बी डूइंग समथिंग लाइक दिस. और दूसरा तो ये, जैसा मैंने बता दिया कि दे यूज टू पुट मड अराउंड दी नेक ऑफ दी दिस अर्दन पॉट, तो उसको सील कर देते थे. बिकॉज ऑफ दैट सीलिंग प्रोसेस दे कुड प्रिजर्व दी थिंग्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बरियल्स. बरियल्स का मतलब होता है जो वो गाड़ते थे, दाह संस्कार करते थे, ठीक है. बरी का मतलब होता है जमीन में गाड़ देना, किसी भी चीज को गाड़ देना. तो बरियल्स इज जनरली यूज फॉर डेड बॉडीज. ओके, डेड बॉडीज को कैसे गाड़ते थे या बरी करते थे, कैसे उनको शमशान घाट में या कहीं पे भी जिस एरिया में वो दफनाते होंगे, कैसे दफनाया जाता था. नाउ अगेन वी हैव गॉट सम क्लूज. व्हेन पीपल डाई, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स पे रिस्पेक्ट टू देम एंड लुक आफ्टर देम. दे बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. नाउ सी, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है. आज के जमाने में हम लोग बहुत कम इस्तेमाल ये सारी चीजें सोच पाते हैं, बिकॉज वी आर नाउ एडवांस्ड. लेकिन अर्लियर पीपल वर थिंकिंग, दे वर हैविंग दिस थॉट कि दिस पर्सन विल बी लाइव अगेन. वो जी जाएगा, जिंदा हो जाएगा. वो सो गया है, जिंदा हो जाएगा. तो वो क्या करते थे, जब भी उसको दफनाने जाते थे, उसके साथ उसकी फेवरेट सारी चीजें रख देते थे. जो कुछ भी उसको खाने में पसंद होता था, जो कुछ भी पहनने ओढ़ने या करने में पसंद होता था, उस सारी मरने के बाद क्या फायदा, पहले दे देते. उसको नहीं पता था ना, उनको पता थोड़ी ना होता था कि अभी ये वापस नहीं आएगा. उनको तो ये था कि उसका वो फिर से कभी जिंदा हो गया, उठ गया, तो वो ढूंढेगा, उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी. हाँ मैम, इसीलिए मैम इजिप्ट में मैम वो, हाँ, इसीलिए पिरामिड्स बने. यस, और उनके ऊपर मैम हनी लगा देते हैं उनकी बॉडी पे, ताकि बॉडी प्रिजर्व. यस, एग्जैक्टली,
बॉडी का प्रिजर्वेशन जो आप मिश्र में सुनते हो, पिरामिड्स में जो ग्रेट पिरामिड्स हैं उसके अंदर जो बॉडी प्रिजर्व की जाती थी, जिनको हम ममीज बोलते हैं, ठीक है, वो बॉडी को प्रिजर्व करने का जो उनका पर्पस था दैट वाज सेम। उनको लगता था कि अगर ये बॉडी कभी जिंदा हो गई, ये जब नींद से जागेगी तो इसको बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, इसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, इसको घूमने की इच्छा होगी, सजने की इच्छा होगी। तो वो जो भी व्यक्ति होता था उसके लाइफ में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट होता था, ऑल वर बरीड टुगेदर, ठीक है। अब उसको कुछ चीजें, जैसे उसका फेवरेट घोड़ा है, उसको वो घोड़ा बड़ा पसंद है, तो जहां पे उसको डालते थे ना वहां उसके घोड़े को भी बांध दिया जाता था। घोड़ा मर जाता होगा, है ना, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते होंगे, मतलब वो अपने आप ही मर जाता होगा। मर जाता होगा बेटा, लेकिन ये लोगों के मन में विचार रहता था। मैम, घोड़े की उम्र इंसान की उम्र से ज्यादा होती है? ऐसे तो नहीं है कि बहुत ज्यादा होती होगी, उनकी भी पर्टिकुलर उम्र होती होगी, लेकिन आप सोचो कि अगर किसी को भी बंद कर दिया जाए एंड विदाउट ऑक्सीजन, हाउ मच टाइम दैट पर्सन और दैट एनिमल विल सर्वाइव? मैम, एक दो दिन तो बस। हाँ, जितने समय तक उसको ऊपर चला जाएगा। हाँ, वो खुद ही ऊपर चला जाएगा। बट इन लोगों को क्योंकि पता नहीं था ये सारी चीजें, तो वो सारी पसंद की चीजें रख दिया करते थे, ठीक है। इसलिए जब डेड बॉडीज एक्सकेवेशन में मिली, खुदाई में मिली, जब डिगिंग की गई और इन सम साइट्स दे फाउंड डेड बॉडीज, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड डेड बॉडीज और दी स्केलेटन्स, दे हैव फाउंड मेनी मोर थिंग्स नियर दैट स्केलेटन। उस स्केलेटन के आसपास उनको बहुत सारी चीजें मिली। अगर ऑर्नामेंट्स मिलते थे तो उनको ये समझ में आ जाता था कि ये कोई लेडी है, कोई विमेन है, ठीक है। अगर ऑर्नामेंट्स गोल्ड के मिलते थे, दैट मींस वो किसी बड़े घराने की है, रिच पर्सन होगा, इस प्रकार से। और अगर कोई नॉर्मल सी चीजें मिलती थी तो उनको समझ में आ जाता था कि ये बहुत रिच नहीं है, दे आर फ्रॉम एवरेज फैमिलीज। सेम वे इफ अगर वो चीफटेंस होते थे, मुखिया होते थे या सिपाही होते थे, तो दे हैव फाउंड सोर्ड्स एंड ऑल दोज इम्प्लीमेंट्स देयर विद देम। ओके, सो इस तरीके से फाइंडिंग्स जो हैं बहुत ही चौंकाने वाली, बहुत ही सरप्राइजिंग है कि लोग क्या सोचा करते थे आज से कितने हजार साल पुराने लोग भी इस चीज में विश्वास करते थे कि देयर विल बी रीबर्थ। यस बेटा, मैम, अगर डेड बॉडी को मैम अगर ज्यादा दिन तक रख देते हैं तो मैम वो स्केलेटन बन जाता है? हाँ, क्योंकि बाकी सारा कुछ डीकम्पोज हो जाता है बेटा, बाकी सारी चीजें डीकम्पोज हो जाती है। बोन्स जो हैं धीरे धीरे डीकम्पोज होती हैं, इट टेक्स टाइम। मैम, पर जो बॉडी के अंदर लंग्स, हार्ट, ये सब जो भी होते हैं मैम, वो भी गायब हो जाते हैं? सब गायब, सब सड़ गल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो जमीन के नीचे कीड़े रहते हैं वो भी खा लेते हैं। हाँ, तो वो डिकम्पोजिशन है बेटा। आप कोई भी चीज कहीं पे भी रखोगे, यू विल फाइंड बैक्टीरियाज आफ्टर सम डेज, ठीक है। और धीरे धीरे वो गल जाता है, सड़ जाता है, फिर उसके बाद वो कीड़े खाने वाले अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं, सॉइल में रहते हैं, ठीक है। कीटाणु रहते हैं जो कि उस पे फीड करते हैं, फिर जो चीजें हमने अंदर दबा दी। दृश्यम नाम की मूवी थी, तो मैम उसमें ना, उसमें भी ऐसे किसी को गाड़ दिया था, तो मैम उसमें जब उसको वापस निकाला था तो वो उसकी पूरी हड्डी हड्डी दिख रही थी। इस तरीके से आप देखोगे, मतलब जैसे हमारे इंडिया में या कहीं पे भी आप देखते हो कि बरियल्स होते हैं आफ्टर डेथ, है ना, कहीं पे दफना दिया जाता है, कहीं पे जला दिया जाता है, तो ऐसा ही हो जाता है। कुछ समय के बाद क्या होता है, वो डेड बॉडीज डिकम्पोज हो जाती है। और अगर उन्हें जलाते हैं तो मैम वो सब, मतलब कुछ नहीं बचता? नहीं बचता, तब भी कुछ ऐसे जो हमारी हड्डियां बहुत मजबूत होती है ना, लाइक स्कल बाकी रह जाता है। स्कल को फिर वो कुछ करते हैं, ठीक है, उसको फोड़ा जाता है ताकि वो वीक हो जाए और फिर जले, ठीक है। जहाँ पे जलाते हैं वहां पे भी कुछ कुछ एक पार्ट्स बाकी रह जाते हैं स्केलेटन के, सब कुछ नहीं जलता, ठीक है। जल्दी से नहीं होता, इट टेक्स टाइम। और आप अभी ये देखो, ये बरियल, अभी तो हम लोग बरियल जो प्लेसेस होती हैं, वी यूज टू मींस इंडिकेट और वी यूज टू लोकेट देम इजीली, बट पहले भी लोग क्या करते थे, बरियल प्लेसेस को
इस तरीके से डिजाइन कर देते थे सो दैट दे कुड फाइंड देयर प्लेसेस इजीली बरियल साइट्स जो साइड में उनके स्थान लगा देते थे, हाँ, रख देते थे। हाँ, पत्थर रख देते थे जिनको देखकर वो पहचान जाते थे कि ये कौन सी जगह है। यस मैम, जो हमारे लैब्स में ये स्केलेटन रखा जाता है मैम, वो कहाँ से मिला होगा? ये बेटा नीचे जमीन के नीचे, लाइक आपने अगर कोई जमीन खरीदी से आपने प्लॉट लिया, पापा ने प्लॉट लिया और पापा को घर बनवाना है, तो घर बनवाने के दौरान नींव की खुदाई होती है जो उसका बेस होता है, यू यूज टू डिग दैट पर्टिकुलर प्लेस फॉर बिल्डिंग योर हाउस। ठीक है, बिल्डिंग बनना है या सोसाइटी बनना है, कुछ अपार्टमेंट्स बनना है, तो ऐसी जगहों पर जब खुदाई होती है और ऐसे कुछ आइटम्स दिखाई देते हैं, सो दे दीज पीपल दे यूज टू give this message to the concerned department कि ऐसी चीजें हमें मिली हैं, then they find out कि ये कितना पुराना है। okay, कितना पुराना जब पता चल जाता है। हम कैसे पता चलता है कि वो कितना पुराना है? बेटा there are various methods जिसमें एक बहुत ही popular method है carbon 14 dating। ठीक है, ये जितने भी फॉसिल्स या ये सब चीजें मिलती हैं, बोन्स वगैरह मिलते हैं, यूटेंसिल्स मिलते हैं, तो लोग उस मेथड से उसको फाइंड आउट करते हैं कि हाउ ओल्ड दैट पर्टिकुलर थिंग इज विच दे हैव गॉट फ्रॉम द प्लेस। और ऐसी कोई भी चीज जो उनको बहुत पुरानी मिलती है तो कंस्ट्रक्शन वर्क रुकवा दिया जाता है, वो सरकार अपने उसमें ले लेती है, अपनी कस्टडी में लेके वहां पर वो फिर इस तरीके से आगे खोजबीन करती है कि फाइंडिंग्स करती है कि और भी कुछ तो यहाँ पे नहीं है, ये जो हमने पिक्चर्स वगैरह देखी ये सब वैसे ही मिले हैं, ये बने बनाए नहीं, ये जमीन के काफी अंदर है बेटा, ये जमीन के अंदर है, ये ऊपर ऊपर नहीं है, ऊपर की तो कोई भी चीज सरवाइव नहीं की होगी, और इतने हजारों साल पहले की बात है। अगर आप एक जगह छोड़ दो और आप डस्ट को साफ नहीं करोगे, यू विल फाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट पर्टिकुलर प्लेस विल बी मोर हायर देन अर्लियर, वो धीरे धीरे ऊंची उठ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सारी चीजें अक्यूमुलेट होने लगती है, इकट्ठी होने लगती है, तो इसलिए वो जो पोर्शन था वो ऊंचा हो जाता है। कई बार भरने का काम करते हैं, कई बार बाढ़ आती है, कई बार कुछ और आता है, तेज आंधी तूफान आता है, सो दिस वे ये जो डिपोजिशन और इस तरीके की चीजें है ये होती रहती है, डिपोजिट होता है, इरोजन होता है, Both the processes are continue. तो इस तरीके से ये खुदाई के अंदर मिला हुआ है, क्योंकि वो भी ऐसे रखते नहीं थे, वो गाड़ते थे। बट ये जो स्टोन बोल्डर्स आपको दिखाई दे रहे, बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ उनकी पहचान के लिए, जैसे किसी एक फैमिली ने ये पत्थर लगाए सो दैट दे कुड मेक आउट कि यहाँ मेरे फैमिली का किसी व्यक्ति को दफनाया गया है, किसी दूसरे फैमिली का हुआ तो उसने दूसरा पत्थर लगा लिया so that they could easily make it out. बस इतना ही पर्पज होता था। अभी हम बड़े अच्छे से engraved stones लगा देते हैं, लेकिन earlier it was not there, but there were some things. They used to do some activities like this so that they could make out easily. उनको समझ में आ जाए कि कहाँ पे हमारी फैमिली का जो व्यक्ति था उसको दफनाया था, क्योंकि अगर कोई फिर नेक्स्ट डेथ होगी दे विल डिग द सेम प्लेस एंड दे विल बरी द डेड बॉडी देयर इटसेल्फ। ठीक है, तो वो उसी जगह पे खोदा करते थे जहां पे उन्होंने पहले अपनी घर की परिवार वालों की डेड बॉडी को डाला होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हम सोच नहीं सकते कि पहले का मनुष्य भी इतना ज्यादा सोच समझ कर काम करता था। उसी प्रकार से उनकी जो फीलिंग्स थी कि बॉडी जो है, जो पर्सन है, वो उसको नेक्स्ट वर्ल्ड में जो दूसरा जिस जीवन में गया है या वो वापस उठकर आएगा, तो दैट पर्सन विल नीड सो मेनी थिंग्स, तो उसकी डेली नीड्स, डेली रिक्वायरमेंट की सारी थिंग्स को वो उसके साथ ही दे दिया करते थे। दाजाली हेडिंग लोकेटेड ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली close to roots leading into China and Myanmar. What is the old, this old name of Myanmar? Do you know? Anyone? Okay, the name of Myanmar, the old name was
बर्मा, बर्मा हमारा नेबरिंग कंट्री है, बर्मा ओके, उसका नया नाम म्यांमार है ओके. तो दाउजाली हेडिंग क्या है, लोकेटेड ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली ईस्टर्न साइड्स में, इंडिया के जो आप नॉर्थ ईस्ट जो जगह बोलते हो ब्रह्मपुत्र वैली वहां पर है, जो कि जहां से जो भी रास्ते जाते थे दे यूज्ड टू लीड टू बी चाइना और म्यांमार. म्यांमार हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के नीचे आता है साइड में, ठीक है, और चाइना जो है ऊपर की तरफ है. स्टोन टूल्स मोर्टार्स एंड पेस्टल्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम दिस साइट आल्सो. नाउ अर्लियर वी हैव रेड अबाउट दिस मोर्टार्स एंड पेस्टल्स, सिलबट्टा या ओखली है ना, जो है ये यहाँ पे भी इस साइट में भी हमें मिले, ब्रह्मपुत्र वैली की जो साइट थी वहां पे भी हमें मिली है. कौन सी है ब्रह्मपुत्र वैली के पास साइट, दाउजाली हेडिंग. दाउजाली हेडिंग इट इंडिकेट्स दैट पीपल वर ग्रोइंग ग्रेन एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट. अगेन सेम थिंग, द आर्कियोलॉजिस्ट और द हिस्टोरियंस और द पीपल दे हैव फाउंड दैट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स, स्टोन टूल्स भी थे, मोर्टर्स एंड पेस्टल्स भी थे, उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ पे भी लोग फूड ग्रेन उगाते थे, क्योंकि फूड ग्रेन को एविडेंसेस पहले भी मिल चुके थे. एंड दे यूज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम इट, और उससे वो खाना भी पकाते थे. Jadeite, a stone that may have been brought from China, also have been found. Again, a particular type of stone. कैसा precious stone, जो हम हीरा पन्ना नग बोलते हैं ना, ऐसी पत्थर भी उनको मिले जिससे अंदाजा लगाया गया कि ये चाइना से लाया गया था और यहाँ पे यूज किया जाता था. So people were moving out of the country. वो फिर जल्दी टूट गया होगा. हाँ? Yes, बेटा. मैम वो तो फिर जल्दी टूट गया होगा. क्या जल्दी टूट गया होगा मैम? ये पत्थर, ये पत्थर हीरा पन्ना नग जैसे होते हैं ना, आप देखते हो हीरे यूज करते हैं लोग, लाल पन्ना. मैम वो लोग क्या, मैम डायमंड को वो लोग, मैम डायमंड के टूल्स भी बनाते थे? ऐसा कुछ उनको बहुत ज्यादा पता नहीं था, लेकिन चाइनीज जो थे वहां से वो पत्थरों को, जो राजा महाराजा थे वो जो प्रेशियस स्टोन से, दे यूज टू इम्पोर्ट दोज प्रेशियस स्टोन्स, या फिर मर्चेंट्स जो थे या जो इधर उधर आते जाते थे वो लोग लेकर अपने साथ आते थे. तो मे बी देर वर सम टेक्निक्स टू फिनिश दीज स्टोन्स, फिनिशिंग उसकी करने के लिए, स्टोन्स की फिनिशिंग के लिए कुछ तो मेथड्स होंगे, दैट इज वाई दीज वर यूज एज मीन्स इन देर ऑर्नामेंट्स एंड ऑल, क्योंकि ये प्रेशियस स्टोन से जैसे उन्होंने सिंहासन बनाया तो दे यूज टू पुट दी स्टोन्स. उन्होंने कोई ऑर्नामेंट बनाया रानी महारानी के लिए या बड़े अमीर लोगों ने अपने लिए बनवाया तो दे यूज टू यूज दी स्टोन्स फॉर दी फॉर पर्टिकुलर ऑर्नामेंट, फॉर शोइंग दैट वी आर वेरी रिच, बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं. मैम अगर देखिए मैम, जैसे कि कोई रिच पर्सन है मैम पुराने टाइम में, तो वो फिर मैम किसी मैम किसी वो पुअर से मैम वो अगर वो बनवाएगा तो मैम क्या वो पहले कुछ वो लेन देन का सामान नहीं कर काम नहीं करता? लेन देन का सामान होता था बेटा. अगर आप इमेजिन करो, या हमने पहले भी पढ़ा है कि देयर वर बार्टर सिस्टम एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी. बार्टर सिस्टम दैट मींस एक्सचेंज, ठीक है. अगर उसके पास काम है, उसके पास अगर वो क्वालिटी है कि ही कुड डू दीज थिंग्स, तो मे बी उसके बदले में वो कुछ और ऐसी चीजें लेता होगा जिससे वो अपना गुजारा कर सकता होगा, ठीक है. मनी वॉज नॉट, मनी प्रिवेलेंट में नहीं थी. मनी की जगह पे कौड़ी चला करती थी. कौड़ी आपने देखा आजकल के समय में कौड़ियां जो है शंख जैसी रहती हैं, वो चुन्नी में या ड्रेसेस में लग कर आती हैं. पहले ये कौड़ियां ट्रेड के काम में आती थी, ठीक है. उसको मनी के रूप में यूज किया जाता था, बट एग्जैक्टली देर वॉज मीन्स मनी वॉज नॉट एग्जिस्टिंग इन दी सोसाइटी फॉर इवन ट्रेडिंग ऑल्सो. ट्रेडिंग के लिए भी मनी यूज नहीं होती थी, क्योंकि लोगों के पास मनी का कंसेप्ट नहीं था. सो यूजली दीज थिंग्स वर बॉट, और यू कैन से कि एक्सचेंज्ड,
on the basis of the things only. Barter system was prevalent, barter system was existing, so people used to exchange their things or the services. ठीक है, जो उनको काम आता था, सर्विसेज आती थी, अगर वो किसी को अपनी सर्विस देता थे, अपना हेल्प देते थे, तो बदले में वो कुछ और सामान ले सकते थे. तो ट्रेडिंग भी कौड़ियों से होती थी. आप पता करना, कौड़ी शंख जैसी रहती है लेकिन चपटी सी रहती है. ठीक है मैम, वो आजकल मैम लोग पर्स में, मैम अपने व्हाइट शेड की रहती है, व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर की रहती है, या थोड़ा सा ग्रेइश रहती है. वो आप देखोगे तो आज भी मिलती हैं, बट आज हमारे लिए वो ट्रेड का कोई काम नहीं करती हैं. बट पीपल यूज टू कलेक्ट दीज कौरीज. इनको कौड़ी हिंदी में बोलते हैं और कौरी जो है वो इंग्लिश में बोला जाता है, कौरी. आर नाउ दिस चैप्टर इज ओवर. ओके, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. वी हैव फिनिश्ड. If there is any doubt related to this chapter, you can ask. Otherwise, we'll be proceeding further for discussion or question answers. Shall we proceed? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The first animal to be tamed was the dog was the first animal to be tamed by the people. Which of the following was the earliest domesticated animal? Sheep and goat. Yes. Yes. ठीक है, ये वन वर्ड में भी आ सकता है, आपसे दोबारा पूछा जा सकता है, आपके गूगल फॉर्म में भी आ सकता है. सो बी वेरी केयरफुल. Which site was known for the fertile land? क्योंकि वहाँ पे कुछ भी उग सकता था, फर्टाइल है तो. People used to grow wheat and barley there. Yes, ma'am. खेती की थी उन्होंने. और हमें पता है कि मेहरगढ़ इज द अर्लीस्ट नोन विलेजेस, वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन विलेजेस. डैश हैज बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स इन द अर्ली डेज. व्हाट आर द थिंग्स? मिल्स, ग्राइंडर, वेस्टर्स. नन ऑफ दीस. मैम पिस्टल. वेस्टर्स. मैम खलबत्ता. The evidence of pit houses recovered from which of the sites? Pit houses कहाँ देखने को मिले थे हमें? कोल्ड रिवर. अपना आंसर सोच के रखो. मैं बोल जाऊँ. आंसर सोच के रखा है ना आपने. मैम बुर्जाहम. ये देखो, इन बुर्जाहम करेंटली इन कश्मीर. ये ध्यान रखना, बुर्जाहम साइट इज इन कश्मीर. People built pit houses, which were dug into the ground with steps leading into them. ऐसा क्यों था? क्योंकि बुर्जाहम जो है ठंडे इलाके में था. बहुत ठंड होती थी. हाँ, तो जो pit houses थे, they used to provide warmth during winter season. pit house कैसे बनते थे? बेटा गड्ढे बनाकर, गड्ढा बना दिया, that is pit house. ठीक है, जैसे
आज के जमाने में अगर आप देखोगे तो द सोल्जर्स यूज टू लिव इन पिट हाउसेस व्हेन देयर देयर इज अ वॉर और समथिंग लाइक दैट. ओके, ऐसी सिचुएशन जब भी आती है तो सोल्जर्स हैं वो पिट हाउसेस बनाते हैं, वहां पे वो छुप जाते हैं. आप अगर कश्मीर या बॉर्डर्स एरिया में देखोगे तो मैम वो बंकर बनाते हैं. मैम बंकर, वो आज का वो नया चीज है. आप देखोगे कि वो बोरी रख देते हैं बहुत सारे, है ना. लेकिन पिट हाउसेस भी रहते हैं जहाँ पे वो ऊपर से घास वास से भरते हैं. बहुत देर लग, मैम बहुत जल्दी बन जाते होंगे ना फिर तो. छोटे छोटे बस, वो उसमें एक आदमी आ जाए, एक या दो आदमी आ जाए. लेकिन वो जो पुराने हम बुरजाहम की बात कर रहे हैं वो बड़े बड़े होते थे जिससे कि वो पूरी सर्दियां वहां पे बिता सके. आज के जो पिट हाउसेस है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी उसी तरीके से यूज करते होंगे बेटा, क्योंकि ये ओपन एरियाज में होते थे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े रखते थे. कुछ भी ऐसी चीजें होती थी या कुछ समय के लिए थोड़ा सा बाहर भी आते होंगे या कुछ मच्छर आ जाते होंगे थोड़े होल से. ओपन भी रख, अभी भी आप देखोगे ना बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड अपार्टमेंट्स बनाते हैं. अंडरग्राउंड अपार्टमेंट्स मतलब घर के भी नीचे घर बनाते हैं. रेन वाटर स्टोरेज के लिए भी बनाते हैं. तो जब भी हम रहने के लिए कुछ बनाते हैं ना तो हम उसमें आउटलेट्स बनाते हैं सो दैट वी कैन गेट लाइट एंड दिस एयर एंड लाइट. ओके, हमको रोशनी भी मिले, हमको एयर भी प्रोवाइड हो, हम ऐसी जगहों में बनाते हैं. बट हाँ ये है कि आप पूरे टाइम उसके अंदर बंद रहकर नहीं रह सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर इज अ लेस ऑफ ऑक्सीजन और एयर. ओके, तो वो थोड़े थोड़े समय के लिए हो सकता है, बाहर भी तो आते होंगे, ऐसा नहीं है कि टोटली बंद हो जाते होंगे. मैम वो लोग जब भी नीचे खोदते होंगे पिट हाउसेस बनाने के लिए तो फिर वो लोग डायगनली खोदते होंगे ना ताकि वो स्टेयर्स बना सके, और जहाँ से वो लोग आते जाते होंगे मतलब जो स्टेयर्स उन्होंने बनाए होंगे उसकी वजह से उसी की वजह से वो लोग ऑक्सीजन भी ले पाते होंगे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो उतना तो ओपन रहेगा, उतना तो बंद नहीं हो सकता ना जहाँ स्टेप्स होते थे. गुड, ओके. Now these are few questions. How did people come to know about taming and rearing animals? कैसे पता चला होगा? हमें कैसे पता चलता है कि लोग पुराने जमाने में टेमिंग किया जाते करते थे, लोग एनिमल्स को कंट्रोल करते थे एंड पालते भी थे, रियर भी करते थे. मैम दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन. हाँ नो दिस इज नॉट मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेटा. यस मैम, जैसे अली मैन ने डॉग्स को टेम करा तो फिर डॉग्स की जो प्रजाति बनती गई उनके ओल्डर लोगों से जो यंग डॉग्स होंगे उनने सुना होगा कि हाँ हम ह्यूमंस से टेम्ड रहते हैं. तो फिर तो जब मैम वो डॉग्स वैसे ही बिहेवियर करते होंगे जैसे उन्होंने टेम कर रखा है होंगे. और क्या पर्टिकुलर चीज़ देख के. अच्छा ठीक है, जब भी एनिमल्स को उन लोगों ने टेमिंग करना शुरू किया और रियरिंग करना शुरू किया, अर्लियर दीज एनिमल्स वर आल्सो लिविंग इन जंगल. मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा. तो मैम ये लोग ये जानवर खाते थे और मैम जब उनके पास खाना नहीं बचता था तो वो इन जानवरों को खा सकते थे, इसलिए वो मैम टेम कर लेते थे. अच्छा मैम एज अ स्टोर ऑफ फूड यूज करते थे. ठीक है, एज अ स्टोर ऑफ फूड और फॉर स्टोरिंग पर्पसेस. ओके नाउ टेल मी हाउ डिड पीपल कम टू नो अबाउट टेमिंग. ये सारे पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स रह गए क्या? मैम उनको लगा कि कोई हमारा कंपेनियन रहना चाहिए. ओके गुड, ठीक है. मैम उनने डॉग की ऑनेस्टी देखी, यस उसकी फेथफुलनेस देखी, उसका आगे पीछे आना. यस मैम, तो मैम उनको पता चल गया कि ये टेम करते थे.
observing them, by experiencing them and the things that you have discussed. मैम जो मैम जब कोई फॉरेस्ट में आ रहा है तो मैम उनको कुछ मैम जब वो अलग क्लास में रख के चाहिए तो मैं उनको पहचान जाता हूँ इसीलिए मैम वो देखते थे कि मैम वो जो डॉग्स थे मैम उन्हें जान लेते उससे और मैम उनको अलर्ट कर देते थे बहुत सारी चीजें और ये सब इमेजिनेशन है बेटे इट इज ऑल बेस्ड ऑन इमेजिनेशन हाउ डू यू थिंक व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट इट व्हाट दीज पीपल हैव डन टू टेम द एनिमल्स एंड टू रियर द एनिमल्स यस बेटा मैम अगर मैम अगर जब तक अपन पता है उसको पैट को एनिमल को कुछ नहीं करते जब तक वो अपन को कुछ नहीं करते अपन उनको कुछ करते थे तो वो भी अपन को मार देते हैं काट लेते हैं नॉर्मली ऐसा ही होता है लेकिन शेर को भूख लगी हो और हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी वो खा जाएगा फिर मैम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताऊं अली मैन स्टार्टेड अ न्यू वे व्हाट इज दिस न्यू वे मैम अली मैन स्टार्टेड अ न्यू वे ऑफ लाइफ बाय ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ओनली वन लाइन आंसर Every day they have to take care of the crop. Very good. Yes. What else? Mam, tells the grain. Mam, they start observing the thing. Yes. Fine. What else? Yes. So many points you all have said just now. Okay, at least 7-8 points. So jot down all the points and explain them in a paragraph. In a paragraph or two. Okay, एक paragraph या दो paragraph में इसको लिखना है. Points को explain करना बेटा. ठीक है? बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने. तो सभी को सबके points लिखने हैं. ऐसा नहीं कि मैंने जो बोला है वही लिखना है या महेश ने कुछ बोला है या चेरी ने कुछ बोला है या दिव्य ने कुछ बोला है वेदांश ने बोला सिर्फ एक ही एक पॉइंट दिव्य अपना लिखेगा ऐसा नहीं है डिस्कशन का मतलब ये होता है कि हमको और भी पॉइंट्स दिमाग में आ जाए जो दूसरा बोल रहा है उसको भी नोट डाउन हम कर लें ठीक है सो ऑल दी पॉइंट्स यू कैन राइट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस इज द न्यू वे ऑफ लाइफ बिकॉज दे हैव स्टार्टेड लिविंग सेटल्ड लाइफ अब वो सेटल्ड लाइफ में जो कुछ भी इनको रिक्वायर्ड था दे हैव डन ऑल द थिंग्स दे टेम्ड द एनिमल्स दे रियर्ड द एनिमल्स दे ग्रो क्रॉप दे मेड परमानेंट सेटलमेंट्स ओके दे स्टार्टेड वीविंग बास्केट्स एंड ऑल स्टार्टेड मेकिंग अर्थन पॉट्स टू स्टोर द फूड सो दिस वे यू हैव टू ऐड द पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स गॉट इट आप ओरली भी इसकी प्रैक्टिस घर में खुद से ही बोल बोल कर करोगे और पॉइंट्स को लिख लिख के करोगे तो आपको याद हो जाएगा हमें यहाँ पे क्या लगाना होता है दिमाग ये आंसर्स को कहीं से कॉपी करने से आपको समझ नहीं आएगा बट जब आप सोचना शुरू करोगे यू विल एंजॉय डूइंग दिस ठीक है तो एक्सप्लेन करना है इसलिए हमको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा पॉइंट्स नहीं देना है बट वी नीड टू एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स Did everything change everywhere and all at once? Did everything change everywhere? No. Oh. Okay. Now tell me why. Ma'am, it takes time. Ma'am, sab dheere dheere hua sab. Because ma'am. One. Because ma'am, things take time to change. Ma'am, because. Yes. Ma'am, plants are growing slowly. Mom? And they start observing things very late. They start observing things very late. Okay. What else? What else?
क्यों सब कुछ आपने बोला कि नो एवरीथिंग डिड नॉट चेंज एट वंस एंड एवरीवेयर व्हाई व्हाई इज इट सो मैम क्योंकि टाइम लगता है टाइम लगता है ओके गुड व्हाट एल्स इसके अलावा मैम क्योंकि सारे काम बहुत मुश्किल मुश्किल होते हैं मैम उनने ऑब्जर्व करना बहुत लेट चालू करा एडजस्ट करना करने में टाइम लगा और क्या हुआ अर्थ में चेंजेस आए नाउ गो टू अ लिटिल बिट टू द ज्योग्राफी सेक्शन थिंक अबाउट क्लाइमेट चेंज होने में टाइम लगा वेरी गुड क्लाइमेटिक चेंजेस बिकॉज एवरीवेयर द क्लाइमेट वाज नॉट सेम व्हाट एल्स सीजन मैम सीजनिंग चेंज था वेरी गुड सीजन विंटर आने में थोड़ा टाइम लगा मैम जैसे मैम अगर उन्होंने विंटर में तो मैम इसलिए जैसे मैम उन्होंने विंटर्स में सीड मैम सीड लगाए तो मैम वो रेन का मैम वेट करते थे कि कब मॉनसून आएगा उनको तो पता ही नहीं था कि किस समय में होगा तो जिस समय में उसका पर्टिकुलर सीजन आता था दैट टाइम दी सैपलिंग्स कम आउट और दी ऑब्जर्व करा कि रेनी सीजन में क्रॉप ग्रो होता है फिर मैंने वो रेनी सीजन का वेट करते थे वेरी गुड और कुछ मैम पहले उनको लगता था कि मैम पहले उनको लगता था कि एक दो दिन में मैम मेरे हिसाब से हम एक मेन पॉइंट बोल मैम उनको लगता था कि धरती चपटी है धरती चपटी है तो उससे क्या होता था धवन उससे क्या फर्क पड़ा यस सर उससे क्या फर्क पड़ा मैम अर्थ टेक टाइम टू रोटेट यस मैम पहले के समय के लोग ऐसे सोचते थे कि है ना अर्थ ऐसी फ्लैट है और अभी अभी ऐसा लगा कि अर्थ अभी गोल है ठीक है वो चेंजेस हैं लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि कैसे उन्होंने ग्रो करना शुरू किया कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आए हाउ दे एक्सेप्टेड न्यू लाइफ तो ये न्यू लाइफ के जो चेंज थे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या पूरे वर्ल्ड में एक साथ हुए आप में से बहुतों ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए अब इसके अलावा और भी चीजें अगर ज्योग्राफी को रेफर करोगे लाइक क्लाइमेट चेंजेस सीजन चेंजेस देन और भी चीजें कुछ बाकी थी उस तरीके की अगर चीजों के बारे में आप फाइंडिंग्स करोगे तो यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर दीज ऑल पॉइंट्स आर देयर बट मेनी मोर पॉइंट्स आर स्टिल देयर ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंसेस हैं सो मेनी थिंग्स आर देयर ओके फाइंड इट आउट वन मोर पीरियड वी विल नीड टू डिस्कस द क्वेश्चंस बुक क्वेश्चंस ओके सो ऑन Next Thursday, we'll be discussing few more questions, and if time allow us, we'll start the new chapter. Maybe Saturday, maybe okay, ma'am. New chapter, we will do. Saturday, book questions, we have not discussed yet. Okay, ma'am. After the book question, we will study history. The earliest cities करेंगे मोहनजोदड़ो वगैरह के बारे में कंटिन्यू विद हिस्ट्री ओनली सो अगर टाइम अलाउ करेगा उस दिन फटाफट डिस्कशन हो जाएगा तो विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर अदरवाइज विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नेक्स्ट वीक ओके ओके बेटा यस मैम डू दिस क्वेश्चंस इन योर कॉपी ओके ट्राई टू राइट द आंसर्स यस मैम अगले चैप्टर मैम अगली क्लास में मैम आप वो ले लीजिएगा एमसीक्यू टेस्ट एमसीक्यू वो तो मैं ले लेती हूँ चैप्टर ओवर होने के बाद मैं सोचती हूँ कि ले लूँ है ना तो वो तो आपको मिल जाएगा वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट गो थ्रू दी क्वेश्चन आंसर्स पार्ट एंड अगर टाइम आपके पास टाइम रहता है तो बेटा रीडिंग जरूर करो गो थ्रू द चैप्टर ठीक है मजा भी आता है समझ आने के बाद मजा आता है नहीं समझ में आता तभी मजा नहीं आता अदरवाइज बहुत मजा आता है चलिए शांति पाठ कर ले लेट्स डू शांति पाठ शांति शांति शांति
साईराम मैम, बाय मैम, हाँ यस यू कैन लीव बेटा।